हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश चावला, एक वेल नोन डॉक्टर हैं जो MBBS DNP हैं और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA हेडक्वार्टर के और वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर साहब, आज ये रैली हो रही है, केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, दिल्ली की चुनी हुई सरकार बताते हुए इसको अधिकार दिए ट्रांसफर पोस्टिंग के, लेकिन एक सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने ये एक निर्णय दिया था, उसके बाद ये जो अध्यादेश लाया गया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो मैं रामलीला मैदान में देख रहा हूँ, ये रैली केजरीवाल जी ने ऑर्गेनाइज की थी और सुना था 1 लाख लोग आएंगे, जो मैं देख रहा हूँ तो कई लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये एक पॉपुलर मूड दिखाता है कि जो केंद्र ने किया है अध्यादेश लाके, एक सरकार जो 3 बार इलेक्ट हुई है, दूसरी बारी में इनको 67 सीटें मिली थी, तीसरी बारी में इनको 63 सीटें मिली हैं। जैसे कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को मौका दिया, केजरीवाल जी जो आप करना चाहते हैं, जो आपको शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, जो मॉडल बनाया है, उसको न केवल दिल्ली बल्कि मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की स्टेट्स फॉलो कर रही हैं, विदेश भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाशय मोदी जी, उनका तो एक ही मत है, मनमानी, अत्याचार और तानाशाही। वो कहते हैं तुझे काम नहीं करने देंगे हम, तूने हमें हराया, हम तुझे काम नहीं करने देंगे। जहां जहां नॉन BJP सरकारें हैं पूरी दिल्ली हिंदुस्तान में, हमने देखा उनकी 3 ही कोशिश होती हैं। पहले उनको कहा जाता है कुछ ले लो भैया, 2-4-500 करोड़ ले लो, हो जाओ हमारी तरफ, नहीं होते हैं तो कहा जाता है भैया तेरे खिलाफ वीडियो लगा देंगे, नहीं होगा तो वही होगा जो दिल्ली में हो रहा है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, फिर मनोज सिसोदिया को, और मुझे पता चला है इवन अरविंद केजरीवाल को भी खुलेआम धमकी दी गई है, तू भी अंदर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उन्हीं की चलेगी जो जनता चाहेगी। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। जो देश है भाई, कोई सरकार तुम अगर ऑफिसर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो कैसे चलाओगे? ये तो फुल मार्क्स टू केजरीवाल सरकार, इन्होंने पिछले 8 साल कई अच्छी सरकार चला के फायदा भी दिया, दिल्ली का बजट बढ़ गया है, दिल्ली की सड़कों का अच्छा काम हो गया है, लाइट्स लग गई हैं, एजुकेशन मॉडल अच्छा है, स्वास्थ्य मॉडल अच्छा है, मॉडल क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, और ये और अच्छा करना चाहते हैं। और ये खुलेआम सच है, दिल्ली की सरकार ने BJP की नीतियों को खुलेआम रिजेक्ट किया है, बार बार किया है, लेकिन इस तानाशाह ने सोचा है कि ऐसे मेरे साथ आ जाओ या ऐसे आ जाओ, नहीं मैं तुम्हें ये कर दूंगा। इस सब का हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पोस्ट गौतम तहसील मेहता, जिला नागौर, राजस्थान, और मैं दिल्ली से, मेरा ससुराल है। अच्छा, तो आज आप रैली में आए हैं? बिल्कुल आए हैं। अजय पटका तो आप कांग्रेस का पहने हुए? कांग्रेस तो राजस्थान में कांग्रेस चलती है, BJP ये आप चलती नहीं है राजस्थान में, कांग्रेस BJP गरीबों के, आप हैं गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हितैषी हैं, आम आदमी का पार्टी है। तो आज क्या संदेश दिया है केजरीवाल जी ने? अच्छा संदेश दिया, सेंट्रल सरकार का जो अध्यादेश है वो उनको वापस लेना चाहिए, अपनी मोनोपोली और मर्सी नहीं चलानी चाहिए, मोनोपोली और मर्सी नहीं चलानी, संविधान के भीतर काम करना चाहिए, पार्टी चाहे किसी चोरों की हो मगर पार्टी के संविधान के भीतर काम करें, संविधान जनहित के काम करें, जनहित के संविधान के दायरे में रह के काम, दायरे में हर किसी का आवादर करें, किसी को लो कैटेगरी का नहीं समझे, ये है संविधान की भाषा। तो आज भारी भीड़ है, कम से कम 2 लाख आदमी आए हैं, लाखों लोग, तो इसका संदेश केंद्र सरकार तक जाएगा, झटका लगना चाहिए केंद्र सरकार को तकड़ा, ताकि उनकी आंखें खुले हैं, क्या हम ही हम है क्या? राजा तो बने बने, ऐसा राजा किसी ने देखा ही नहीं, ये तो अशोक से मान हो गया। ठीक है, बहुत बहुत जो सदियों से भारत की जनता देख रही थी सपना, दिल्ली से शुरू हुआ लोकतंत्र की स्थापना, विष्णु का यह काम है करते, असली में यह राम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका केजरीवाल नाम है, यही लोकतंत्र है राम राज, यही राम राज है लोकतंत्र, फोन के एक कॉल पर सरकारी सारे काम होंगे, ना कोई रिश्वत देना अब, ना कोई बेईमान होंगे, विश्व का पहला ये मानव, विश्व का पहला ये मानव, असंभव को संभव किया, मरा हुआ लोकतंत्र जीवित कर, क्या कहा मैंने, मरा हुआ लोक
लोकतंत्र जीवित कर आम आदमी से प्यार किया, यही लोकतंत्र है रामराज, यही रामराज है लोकतंत्र। हॉस्पिटलों का करके सुधार, मोहल्ला क्लिनिक भी चलाते हैं, जांच दवा सब फ्री में देके दिन दुखियों के जान बचाते हैं। सेवा भाव कुट कुट के भरा है, ऐसा नहीं भारत में ज्ञानी, करके दिखाए बिजली बिल माफ, माफ किया पीने की पानी, यही लोकतंत्र है रामराज, यही रामराज है लोकतंत्र। आम इंसान के लिए ये जरूरतमंद यही सब चीजें हैं। 10,000 से भी ज्यादा स्कूलों का निर्माण किए, फ्री बस सेवा महिलाओं के, बुजुर्गों को भी राहत दिए, अरबपति और भ्रष्ट नेताओं से भारत यही बचाएंगे। क्या कहा? अरबपति और भ्रष्ट नेताओं से भारत यही बचाएंगे। कहे अमरेश, सुनो भाई जनता, सच्चे लोगों से देश भारत सजाएंगे। चोर उचक्कों की खैर नहीं, अब सीसीटीवी कैमरा लगवाए घर हर नुक्कड़ और हर गली में, माँ बहनों के इज्जत बचाए। खराब फसलों के देकर मुआवजा, किसानों को भी प्यार किया, लाखों पेड़ लगा के दिल्ली में पर्यावरण को राहत दिया, यही लोकतंत्र है रामराज, यही रामराज है लोकतंत्र। मैं ये कहना, नाम बताइए अपना नाम। मेरा नाम अमरेश यादव है सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो करतारनगर से आया हूँ सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ कि ये भारत में एक पहला ऐसा ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी जिसको ज्ञान बोलते हैं। सब कहते हैं कि फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हवा का पैसे देते हैं क्या? ये हवा का, ये पृथ्वी का पैसा देते हैं आप? क्या प्रकृति ने सब कुछ फ्री में दिया है कि पैसा लेता है? फ्री में दिया है, वही इसको बोलते हैं राम राज। ये फ्री में देना है। अरबपति जो नेता है, जो संसद में रेप और मर्डर नेता है, उनके 4,000 यूनिट फ्री मिलता है, बंगला मिलता है, उनके पास पानी की व्यवस्था सब चीज दी जाती है, और जब आम आदमी की बात होती है तो उसको फ्री 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 बोलते हो आप? क्योंकि फ्री हमने ही अपने टैक्स से ये सरकारी चीजों को हम चला रहे हैं, और हमारे पास वापस आ रही है तो हमारा ही चीज वापस आ रही है। उन नेताओं, राक्षसी नेताओं पर जाए तो वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो अरबों खरबों की संपत्ति, नेता जब फार्म भरते हैं तो 4 करोड़ लिखवाते हैं कि 4 करोड़ की संपत्ति है, 5 साल में खरबों की संपत्ति अपने पास अर्जित कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि आम आदमी को फ्री मत दो, सब लूट लेते हैं सीधा सीधा। अच्छा, जो है ये आम आदमी पार्टी के जो दो नेता हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसके मामले में क्या कहूं? उससे आप, मैं बता रहा हूं, ये फर्जी लगाया गया है केस, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी सच्ची पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, जो 15,000-20,000 की नौकरी करते हैं उन लोगों को संरक्षण देती है, और 50,000-1,00,000 कमाने वालों को नहीं। साफ साफ बता रहा हूँ, उनकी पार्टी है, इसलिए वो बड़े लोग जो हैं, जो 3 करोड़ क्या नाम है, 3,50,000 या लाखों रुपए के जो नौकरी करते हैं वो विरोध करते हैं, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। और इसका यही तंत्र है, मान लो कि कोई खाई बन गया है और खाई में से मिट्टी निकाल के ऊपर पहाड़ बना दिया गया, आप कह रहे हो कि उस खाई को कैसे भरोगे? अपने अपने कपड़े से नहीं भर सकते, बर्तन से नहीं भर सकते, उसी मिट्टी को पानी में डालकर, उसी मिट्टी को गड्ढे में डाल कर के बराबर किया जा सकता है। जो अमीर हो गए लोग हैं, जो अरबों खरबों की संपत्ति रखे हैं।